और मौलाना महमूद मदनी इस वक्त स्क्रीन पर है। मौलाना कुछ बता सके, दर्शक इंतजार में है, क्या आपकी बात हुई है? हम लोग कुछ डेढ़ घंटा थे साथ में और जितने भी करंट इश्यूज हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात हुई है। अब बात की हद तक तो अच्छी बात हुई है, उन्होंने हमसे सब केसेस के बारे में डिटेल मांगी और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई हो सकेगी वो दो तीन दिन में करवा करके हम इसको तीन दिन के अंदर अंदर हम करवाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छी अच्छा कहा जा सकता है इस मुलाकात को बातचीत के लिहाज से, तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जो कुछ मुल्क भर में हुआ हमने देखा, मस्जिद मदरसों को लेकर इन तमाम मुद्दों पर भी क्या आपकी गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई? बिल्कुल, सब लोगों ने अलग अलग अंदाज में अलग अलग इश्यूज को उठाया इस पूरे डेलीगेशन ने, बड़ा डेलीगेशन था और मुल्क भर से लोगों को बुलाया गया था इस डेलीगेशन में, तो सभी इश्यूज को। कोई खास मुद्दा पीस एंड कम्युनल हार्मनी को लेकर आपने कहा हो? सारी ही बातें हुई हैं जी। हाँ, कुछ वक्त अच्छा मिल सके आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए? आज छोड़ दीजिए, बहुत रात हो गई है, इंशाल्लाह फिर अगर आप 5-10 मिनट का वक्त थोड़ा सा दे दोगे फिर इंशाल्लाह तो आपसे बात करें। अच्छा, कोई डेलीगेशन आपने कुछ मेमोरेंडम वगैरह भी सौंपा है? जी हाँ, तो डिटेल बना के दिए सारे इश्यूज को लेकर के, कश्मीर के बारे में भी बात कुछ इस तरह का एश्योरेंस मिला है? बस आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि अब जो है आगे से इस तरह से ना हो सके आने वाली अब 6 तारीख को भी? ये उनका ये है कि जो भी है, जो मुजरिम है उसको हर हाल में सजा होनी चाहिए और बिल्कुल मुल्क के वातावरण को खराब करने की किसी को किसी कीमत पर इजाजत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का उनका एटीट्यूड था।